दोस्तों, क्या हाल चाल। सो मैं एक बार फिर आया हूँ आपके सामने एक नया व्लॉग लेके। इसमें हम जो करने वाले एक कारवी फार्म हाउस है जो कि करजत में है, वहां हम निकल गए हैं। जैसा कि अभी आपने देखा गाड़ी उसकी तरफ अग्रसर हो रही है। वहां जाने के तीन वे हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एक आप बाइक से जा सकते हो, एक आप कार से, बाइक कार तो एक ही चीज हो जाती है, दूसरा आप ट्रेन से जा सकते हो, तीसरा आप बस से भी जा सकते हो। सो ट्रेन से भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जाना है। अगर आपको ट्रेन से वहां जाना है, ये मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि मुंबई से करजत अराउंड 100 किलोमीटर है। सो अगर आपको ट्रेन से जाना है तो थाने से, दादर से, यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन चलती है जो कि दो टाइप की ट्रेन है, एक फास्ट होती है एक लोकल, एक स्लो होती है। तो अगर आप फास्ट पकड़ोगे थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हो, और स्लो पकड़ोगे थोड़ा लेट पहुंच जाते हो। सो अराउंड यहाँ हम करजत की तरफ हम निकल चुके हैं गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी से भी अराउंड 70-80 किलोमीटर पड़ता है। मैं नई मुंबई रहता हूँ तो वहां से थोड़ा कम पड़ जाता है। और आज मेरे साथ है हमारे कलीग मिस्टर आशीष। हेलो। ये बहुत अमीर लड़का है इसलिए ये गाड़ी से जा रहा है। सो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए अभी तक आशीष, आपको कैसा लग रहा है? भाई ये तो हमारा शायद से हम दोनों का पहला ट्रिप है, एंड काफी अच्छी जगह है जो कारवी रिसोर्ट है। मैं पहली बार भी जाके आ चुका हूँ तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो दोस्तों के साथ तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, बाकी फैमिली के साथ गया था, फैमिलियर भी है। एंड बाकी रूट ने जो रूट वगैरह तो सब बता दिया राहुल ने, कैसे क्या जाना है क्या करना है। सो लेट्स रीच देयर, लेट्स एंजॉय। बाकी पोस्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा आपने क्या एंजॉय किया क्या नहीं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अभी मैं आपको जैसे ये बताया, आगे चल के मैं आपको कारवी रिसोर्ट जब पहुंचूंगा तब वहां जाके भी मैं आपको बताऊंगा कि सब कुछ दिखाऊंगा कि क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या एमिनिटीज दे आर प्रोवाइडिंग। सो दोस्तों मिलते हैं, चलो बाय बाय। खर्चा तो आए हुए थे, बहुत देर हो गई लेकिन रिजोर्ट अभी मिल नहीं रहा है। गूगल ने भी धन्यवाद बोल दिया है कि हमसे ना हो पाएगा। लेट्स सी, आशीष भाई पे भरोसा है, कैसी ड्राइविंग कर रहे हैं, कहाँ पहुंचाएंगे। लेकिन काम चलते रहो, इसी का नाम तो है जिंदगी, चलते के का नाम है जिंदगी। हम पहुंच रहे हैं कारवी रिसोर्ट, पता नहीं है गाड़ी चलते जा रही है, रास्ता खत्म नहीं हो रहा है, पेट्रोल खत्म हो रहा है, एनर्जी खत्म हो रहा है। मुझे एक्साइटमेंट वो जो रहता है वो थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे नजदीक आते जाते जा रहे हैं और बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं, फाइनली अपने को कारवी रिसोर्ट अभी तक नहीं मिला है, बट मिल जाएगा, स्टिल भरोसा है मुझे मिल जाएगा। देखते हैं जल्दी पहुंच के आपको दिखाते हैं कि कारवी रिसोर्ट में ऐसा क्या है जिसके लिए हमें इतना इंतजार करना पड़ रहा है। लेट्स सी। जस्ट हमने एंट्री ली है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पार्किंग मिल गई है गाड़ी खड़ी करने के लिए, और ये वे है अंदर जाने का। तो अंदर जाते ही आपको जो राइट में दिख रहा है ये आपका डाइनिंग हॉल रहेगा, जहाँ पे आपको डिनर वगैरह प्रोवाइड होगा, किचन भी यहीं मिलेगी। उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं, यहाँ पे फ्रिज वगैरह मिल सकती है, आप अपनी जो भी चीज़ आप रखना चाहो रख सकते हो। उसके बाद ये आपका डाइनिंग एरिया होगा, यहाँ बैठ के आप इजीली अपना डिनर लंच एंजॉय कर सकते हो। आफ्टर दैट ये एक ग्राउंड होगा छोटा सा, जो जिसमें आपको खेलने को मिलेगा। यहाँ छोटे बच्चे हैं, अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो छोटे मोटे झूले वूले भी आपको मिल जाएंगे, साइकिलिंग वगैरह भी आपको मिल सकती है। ये वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट दोनों आप इसको बना सकते हो, और क्रिकेट खेलना चाहो तो यहाँ थोड़ा सा क्रिकेट भी खेल सकते हो। उसके बाद ये थोड़ा सा सेल्फी पॉइंट है, बास्केटबॉल कोर्ट टाइप का बना रखा है। ये थोड़ा सा देसी खाट वाट बना रखी है जिसमें गांव की तरह आप एंजॉय कर सकते हो। अब हम जा रहे हैं सबसे स्विमिंग पूल की तरफ। जैसा कि आप ये देख रहे हो ये स्विमिंग पूल रहेगा, इसकी हाइट तो अराउंड 5-4 से 6 ऐसे होगी, 5 ही होगी 6 भी नहीं होगी मेरे हिसाब से, लग नहीं रहा देख के, वो मैं बाद में बता दूंगा कितनी हाइट है। यहाँ पे बैठ के आप पूरा एंजॉय कर सकते हो। अंदर का व्यू मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ, दिखाता हूँ। सो ये रहा आपका पूरा व्यू, पूरा रिजॉर्ट, आउटसाइड रिजॉर्ट जो जो आपको मिलेगा। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ कि रिजॉर्ट के अंदर जो रूम है वो ये हॉल रहेगा, जिसमें डिस्प्ले टीवी, बहुत बड़ी एलईडी, इसके साथ में आपको सोफा मिलेगा, यहाँ बहुत सारे गद्दे मिल जाएंगे। इसके साथ आपको एक रूम मिलेगा जिसमें आप अराउंड 4 से 5 लोग इस बड़े से बेड पे सो सकते हो, अटैच इसमें लेट बाथ रहेगा, एक रात के लिए ठीक है, और एक लेट बाथ इधर भी रहेगा, तो इसमें भी आप इधर भी एंजॉय कर सकते हो। तो ये काफ़ी बड़ा है, यहाँ आराम से 20 से 25 लोग इजीली एंजॉय कर सकते हैं, कोई गेम वेम खेल सकते हैं इसीलिए। एक रूम ये रहेगा,
उसके बाद हम अनदर रूम की तरफ चलते हैं। यहाँ छोटे मोटे गेम भी हैं, लाइक कैरम बोर्ड खेल सकते हो, चेस खेल सकते हो आप बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। रूम नंबर टू, रूम नंबर टू ये रहेगा। इसमें भी गद्दे हैं, बेड बने हुए हैं पूरे के पूरे। अगर आप कंपनी वालों के साथ आते हो ऑफिस के, इधर लेट बाथ रहेगा। सो पूरा सेपरेशन टाइप बना रखा है। अगर आप लेडीज को अलग से रखना चाहो तो वो अलग से भी रह सकते हैं। सो कंफर्टेबल रहता है। ये दो रूम हो गए, अब हम चलते हैं तीसरे रूम की तरफ। ये अभी लॉक है तो ये खुलवा देंगे थोड़ी देर में, बट सेम ही होगा ये भी। सो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको ये सब जरूर बताना, बाकी की चीजें आगे। ये भी हमारे टीम में से उनको खड़ा किया गया है, दुनिया के जाने माने बॉलर नितिन हलवे। वाओ, इट्स अ ग्रेट कोई दिक्कत नहीं है, वोट किसी को भी जाने दो, जितना तो हमें ही है। चैंपियंस ऑफ चैंपियन आशीष, वाओ, नॉट एन इश्यू, नॉट एन इश्यू। अरे राहुल को नहीं देख क्या रहे हैं मंगेश, देख रहा तू? अरे ब्लॉग देखता ही, इसको सजा मिलेगी ये ब्लॉग नहीं देखता तो। भाई तू ब्लॉग में, मैं लाइक से शेयर सब्सक्राइब तो करता हूं। हां तो तुमको आज 500 अलग। So, दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो ये स्विमिंग पूल है यहाँ पे, जो कि एंजॉय कर रहे हैं दोस्त लोग, बहुत ही एंजॉय लेते हुए। तो देवेंद्र भाई क्या कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, एकदम सुंदर, थोड़ा पास आके रिव्यू दीजिए। एक खंभा पीने के बाद बहुत हुआ नहीं है, पानी में बहुत ज्यादा मजा आता है, मजा आ रहा है। हाय, आई एम फ्रॉम युगांडा, आई केम हियर टू प्ले आईपीएल, सो टीम हैदराबाद, हैदराबाद सनराइजर्स वर्सेस मी फॉर 6 करोड़। राहुल मैं डियर फ्रेंड, मैं डियर फ्रेंड, आओ निकले यार, अभी दारू गायब हो गई भाई। लो 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 लो, अपना खेल भाई, हम मजे करते हुए एकदम। हां कैसा लग रहा है विजय भाई आपका? अरे एकदम रिलैक्स, बहुत बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। क्या बोलना चाहोगे ट्रिप का? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, मार्च एंड खत्म हो गया, हमारा टेंशन खत्म हो गया। ये हमारे ऑफिस के कलीग हैं जो एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे।
लाया। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भारी बरसात में पी लेने दो। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भारी बरसात में पी लेने दो। मौसम में बारबेक्यू ऑल्सो देयर। अभी रेडी हो रहा है हमारे स्टार्टर्स के लिए। सो नाइट में भी इतनी रोशनी होती है कि आप बैडमिंटन इजीली खेल सकते हो, तो फुल एंजॉय किया। तो यहाँ हमारे ओमकर और प्रदीप शेफ बना रहे हैं, इनसे पूछते हैं कैसा कैसा लग रहा है आपको ये बना के। ये सीक्रेट मसाला है okay. जो हमने लेके आए हैं स्पेशली पिकनिक के लिए। ये थोड़ा सा स्प्रेड कर दे, जितना आग पकड़ेगा ना ये दोनों, ये अच्छा नहीं होता है तो कोयला।